या बेटी नहीं हमका पाइक दी थी या मटराइनिया नहीं दी जा देख ले। लगता है ये भी तुम्हें गिफ्ट में मिला। ये वाली दी थी है। ठीक है बेटा अब तुम्हारी छुट्टी अब जाइए। चल बेटी टिम्मा चलो चल चल चल। बहुत अच्छा किया अच्छी बातें बता दिया। चल बे चल तोरे अम्मा लगी चली। ये सब उर्मिला जी यहाँ अचानक आ गए हैं। हमारा काम ही यही रहता है कि अचानक किसी स्कूल में जाओ उस स्कूल के पोजीशन देखो क्या है कैसे चल रहा है। सही बात है। और हाँ उर्मिला जी जी आपके सामने बच्चे बता रहे थे कि ना यहाँ वजीफा बढ़ रहा है ना तो यहाँ ड्रेस मिल रहा है ना तो बैग मिला ये सब कमी है ना। ऐसी बात नहीं है। देखिए बच्चे भी वैसे भी झूठ बोलते रहते हैं आप उनकी बातों का उर्मिला जी ले लीजिए। दरअसल उनको सब कुछ मिलता है वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। देखो उन्होंने हमारे सामने बताया ये बात झूठी नहीं हो सकती है लेकिन चिंता मत करो हम चाहे तो तुम्हें सस्पेंड कर सकते हैं इसी वक्त लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। ऐसा मत करिएगा। ऐसा हम करेंगे नहीं लेकिन करेंगे नहीं लेकिन लेकिन एक बात बताए पूछे थोड़ा सा एक काम कर दो मेरा। अरे एक नहीं दो एक छोटी सी मेरी बात मान लो ये समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। सच मानस साहब आप दूर से बात करिएगा प्लीज। उर्मिला जी अरे हम दूर है तो है इधर आओ इधर आओ। अरे छोड़ो यार सारी बातें। यार क्यों कहते हो क्या है ना कि तुम बहुत अच्छी लगती हो सच में कसम भगवान की बहुत अच्छी हो इसलिए जो है यानी कि सब कुछ हमने छोड़ दिया बस एक छोटी सी बात है प्लीज हमसे दिल से प्यार कर लो कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ मतलब आप प्यार करने की बात करते हैं दीप्ति साहब। उर्मिला जी ये समझ लो तुम्हारी नौकरी बरकरार रहेगी जीवन भर तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी इसीलिए कहता हूँ कि एक एहसान की तो बात है। देखिए दीप्ति साहब मुझसे ये नहीं होगा दीप्ति साहब। बड़े प्यार से तुमसे कह रहा हूँ क्या सुनो मेरी बात थोड़ा सा मेरा कर दो अरे थोड़ा सा मेरा कर दो एहसान चमक छलो थोड़ा अपनी भी मुझे दे अपनी भी मुझे दे दो पहचान चमक Yeah.
जीती जय नारायण। बोलो दूर से बात करिए, और रही बात प्यार और की, तो मैं प्यार आपसे नहीं करूंगी, ठीक है? नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। सुनिए मेरी बात, और ऐसा कहना पारा मुझे माहे मिला। देखिए डीपी साहब, सुनिए मैं अभी आपसे तमीज से बात करती हूँ। आप डीपी जय नारायण हैं, आप साहब हैं, मैं आपसे उल्टा सीधा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आप बोलने में मजबूर कर देते हैं। मैंने कहा ना, एक बार नहीं हजार बार कह सकती हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं करूँगी। अरे मैं तो करता हूँ, दिल से करता हूँ, तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आप चाहते हैं, एक तरफा प्यार को प्यार नहीं कहते, ठीक है? जब दोनों तरफ से होता है तो उसको प्यार कहते हैं। एक तरफा है, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। अरे पहले एक तरफ से ही प्यार शुरू होता है मैडम जी। लेकिन मैं नहीं करती हूँ। अरे या जवानी ना रही मेरी, सच में अच्छा। अरे या जवानी ना रही, या जवानी ना रही, अरे गोरिया छोड़ा बदगुमानी या जवानी। तोरी लकड़ी होई है खाल सूख तोरी पाती, खाल सूख तोरी लकड़ी होई है सूख तोरी पाती, कमर टूट तोरी से कब से समझा रहा हूँ। अरे मैं तुझे भी तो समझा रहा हूँ, तू मेरी बात नहीं मानता। सुन, अगर तुझे नाम
काटना हो कल तो मेरा नाम अभी काट। अच्छा, मुझे नहीं करना है। तो अब ये समझ लो कि नाम तो कटेगा ही, काट दो नाम तो कटेगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने दिल की तमन्ना भी पूरी करूंगा। तेरी क्या मजाल है जो तू अपने दिल की तमन्ना पूरी करेगा। अच्छा, मारे सैंडिलन जो तुमका हम बजरंग बली न बनाए। तो फिर देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अच्छा तो सीधे साधे कर नहीं, अरे करेगी हमसे। चौपट तूने कर दिया मेरा बना बनाया काम, और जाओ है जाना चाहा और नहीं फसाओ। जितनी ताकत दिखानी है मुझसे दिखा, नारियों को सताता तू शैतान है। काका ये छिनलक समझा दे तनिस। अरे किसको धमकी दे रहा है? अरे यार यार तू तो तुम लोग अरे बेटी ही नहीं छेड़ा था। छेड़ कह रहा था यार, तो फिर कहे हल्ला मचावर रही बे। ओ, कुछ कुछ नहीं कर रहा था वो, तो डर रही थी ऐसे ही। ऐसा ही डर रही और क्या। अरे तय कौनो जानवर है इनका तो से डर रहा थी। ओ, पता नहीं क्यों डर रही थी। अरे आप लोग हैं कौन? ये कौन है? ये कौन है? आप कौन है? हमका जानत हो यो। बता दो ना इसे। हम डाकू हैं, ये झांटू हैं। पागल हो गए हो? अरे हम दोनों डाकू हैं। हम दोनों जने हैं। हाँ हम दोनों जने डाकू हैं। तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। का ठीक का ठीक। यहाँ रे बेटी आप लोग जाइए ना। हम जाए हम हटे तू साले डटे हैं। आराम पागल हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। गुस्सा भक भका के चढ़ा रहा,
तो हम तो कम से कम ये तो देख लिए करो किस किस पर हाथ उठा रहे हो। हम अंधरा जाए थी गुस्सा चढ़त है तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। क्या बात क्या बात क्यों हल्ला मचा रही थी ये? अरे यार कुछ भी तो नहीं कर रहा था मैं, कुछ नहीं कर रहा था। हाँ हाँ तो आयरन ये चिल्लात रही का अरे बोल अबे लग रहा है झटही। चल अब ती तेल लगा के मारा मारा। अरे यार कैसा आदमी है पागल है क्या बे? मैं पागल हूँ अबे तबे से बोलता है। देख लो तुम्हें अबे तबे बोल दिया। अरे हमार बेइज्जती खराब करते हैं। इज्जत खराब होती बेइज्जती नहीं। हाँ इज्जत खराब करते हैं। आप बताओ पहले से आराम है? अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। चल बे निकल 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 यहाँ से। भाग 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 भाग। ए बेटी वहीं आओ। क्या है हल्ला मचावत रही? हल्ला क्या जबरदस्ती मुझसे प्यार करने के लिए बोल रहा था। ओ माय डॉग। ओ माय डॉग नहीं ओ माय गॉड। माय गॉड होता है वही तो। वो क्या है ना मैं एक अध्यापिका हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रही थी और ये इसका नाम डीपी जयनारायण है। ओ आई सिट आई सिट किट क्या क्या बोलते हो तुम तो? तो ये साला तुझे छेड़ रहा था। मुझसे कह रहा तुम बहुत सुंदर हो और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। हाँ तो नाम है तो वह काट दी इस रहा काट दे चाहे। हमने कहा था कि तुम हमारा नाम काटना चाहे तो काट दो लेकिन कह रहा है मैं जबरदस्ती करूंगा प्यार। अच्छा ठीक है के बेटी आए हो तुम बताएंगे तुम्हारे अम्मा के का नाम है? अम्मा का नाम तुझे बहुत जरूरी है। जब देखो अम्मा के पीछे पड़ा रहता है ये। कहे तोरे अम्मा के पीछे पड़ी का मुन्ना काका। चलो इससे बात करो और इसको घर भेजो। देखिए हम लोग आप लोग भगवान हैं जो आप यहाँ पहुँच गए हैं। ना हमका भगवान ना बनाओ नहीं दुनिया वाले पकड़ ले जाए के मंदिर में बंद कर दे हैं और ताला लगाए दे हैं। जब उन जंगल में घूमी थी उमदाई थी ना या गांव से वह गांव सब बंद हो जाए। ये सब बातें छोड़ो पहले मैं जो पूछना चाहता हूँ उसको बताओ। पूछिए मैं बताऊंगी। अरे किसकी हो तुम लाडली अरे क्या है तेरा चाहते कि हम कौन हैं हमारे पिताजी कौन हैं? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। बता देंगे मुझे आपसे भी कुछ कहना है। वो तो ठीक है लेकिन पहले जो सवाल किया उसको जवाब मुझे दो। अच्छा अच्छा क्या है ना हमारा नाम उर्मिला है। उर्मिला हाँ और हमारे गांव का नाम है तख्तपुर।
तो तुम तख्तपुर के रहने वाली हो जी, और हमारे पिताजी का नाम सेनापति भंवर सिंह। भंवर सिंह, एक मिनट ए बेटी तुम मुकई जाओ ते हम सलाह कुछ करी थी। ए मुन्ना इधर आ। कागज तुमने सुना? बेटा ये दुश्मन के लड़की है, ऐसे प्यार मोहब्बत मत करो, मगर हाँ करना पड़ेगा, इसको अपने मीठी मीठी बातों में फंसाओ और प्यार का नाटक करो, क्योंकि हम इसके पिता तक पहुंच सके, उसकी बेटी की सीढ़ी बना करके हम उसकी गर्दन को धर दबोचेंगे। आप सत्य करें चाचा श्री, हम इसके द्वारा ही इसके पिता तक पहुंच सकते हैं। हाँ, क्योंकि इतना वो सातिर है, इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आने वाला वो। ये बात ठीक है मुन्ना, मैं गड्ढे में जा रहा हूँ। गड्ढे नहीं अड्डे पे? हाँ अड्डे में जा रहा हूँ, और इसे प्यार से फंसाओ, ठीक है? ओके, लेकिन इसके साथ साथ अड्डे पर बैठ के एक लेटर तैयार कर लेना। हाँ हाँ वो सब मैं लिख रहा हूँ, वो मेरा काम है। ठीक है। उर्मिला जी, पहले क्यों नहीं बताई कि तुम भंवर सिंह की बेटी हो? अरे तुम्हें मालूम नहीं है क्या? भंवर सिंह हमारे कितने अजीज मित्र हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। अरे जाती हो, बहुत अच्छी बात है। जब कभी हमें किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो हमें पुलिस से बचाते हैं हमारे पिताजी, और जब तुम्हारे पिताजी कोई दुख तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें हम वहां से बचाते हैं। ऐसा होता है? हाँ ऐसा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की? अरे कैसी बात करती हो, मैं आपसे कुछ कहूँ? कहो ना, अब तो चाहे जो कुछ भी कहो। मंजूर है? सब कुछ मंजूर है। सच्ची मुच्ची मुच्ची? देखो समय काफी हो गया है और हमें बहुत दूर जाना है। अच्छा अच्छा चाचा जी, लेटर रेडी हो गया? हाँ हाँ, देखो तुम्हारे हमारे बहुत परम मित्र हैं। उर्मिला इधर सुनो, क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, तुम्हारे पिताजी परम मित्र हैं, अब हमको उनसे काफी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए हम अपना संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, लेटर के द्वारा। ठीक है, और इसे खोल कर पढ़ना नहीं, नहीं तो तुम दोनों का जो प्यार है ना, हाँ हाँ, वो खोलते ही इसमें से उड़ जाएगा। उड़ जाएगा? हाँ। ऐसा नहीं है, हम उड़ने नहीं देंगे। हाँ तो इसे तुम पढ़ोगी नहीं, इसे नहीं पढ़ेंगे तुम्हारे पिता भंवर सिंह, ठीक है? उर्मिला, अगर तुम वाकई में सच्ची मोहब्बत करती हो, इस लेटर को तुम पढ़ोगी नहीं, तुम्हारे हमारे प्यार का समय तुम्हें, अगर ऐसा कहोगे तो हम इसको फेंक देंगे। अरे फेंकना नहीं है, अपने बाबूजी को ले जाकर दे देना। ठीक है, ठीक है।
शर्मिला, तूने मेरे प्यार को ठुकरा करके अच्छा नहीं किया है। मैं अगर तुझे इस भंवर सिंह के पास रहने दिया तो मेरा नाम भी जय नारायण दीप्ति नहीं। मुझे मालूम है कि तू भंवर सिंह की बेटी है और भंवर सिंह मेरा दोस्त है। मैं चल रहा हूँ तेरे बाप भंवर सिंह के पास, फिर देख तेरी क्या हालत करता हूँ। मेरे प्यार को ठुकराया है ना, इसकी सजा तुझे अवश्य। उर्मिला स्कूल गई हुई है, स्कूल से वापस नहीं आई, आते होगी। हर सिंह नमस्ते। जय नारायण। तू हाँ दोस्त, कहाँ था अब तक? आपको ये नहीं मालूम है, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं ड्यूटी करता रहता हूँ, इसलिए आने के लिए वक्त नहीं निकल पाता। बड़ी खुशी की बात है कि भंवर सिंह का दोस्त एक पोस्ट पहुंच गया। अच्छा ये तो बता, ठीक ठाक तो है ना, कोई दिक्कत? और हाँ, बरसों दिन के बाद मिला है, तेरा चेहरा क्यों उदास है? क्या बात? अरे छोड़ो दोस्त, जाने दो, क्या करोगे? नहीं नहीं जय नारायण, तुझे मेरी दोस्ती खत्म है। बोल, तुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार दिल खोल के भंवर सिंह से सारे अरमान भर दूंगा। दोस्त, जुबान से कह देने से कुछ नहीं होता, अगर जुबान से कहो तो उसे पूरा करो। जय नारायण, तू मेरे बचपन का दोस्त है, तू अच्छी तरह जानता है ठाकुर भंवर सिंह को। जुबान जो कहता है वो करता नहीं है। बोल क्या बात है दोस्त। भंवर सिंह, एक दिल कहता है कि बता दूं, एक दिल कहता है कि छोड़ो, जाने दो, रहने दो। ऐसे कौन से तेरे दिल में बात खड़क रही है जो तू कहने में दरखड़ा रहा है? बोल क्या बात है। अगर जिद करते हो तो सुनने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लो। अरे बोल सही, क्या बात है? बोल सही, ठीक है। अगर जिद करते हो तो सुनो मेरी बात। अरे आपकी प्यारी बेटी जो है उर्मिला, अरे के अनजान से दिल लगाई है वो, कि अपनी आंखों से मैं देख कर आ रहा थी, अपनी आंखों से मैं आंखों से मैं